जिन्होंने भी ये न्यूज़ चलाई है, जो भी आपको ये खबरें मिली है, अब देखिएगा उसमें किस तरीके से कालाबाजारी चल रही है। बिल्कुल गलत है। एक बस कुछ पैसेंजर पूछ रहे हैं कि कहाँ जाना है और टिकट निकाल रहे हैं, क्या उसको कालाबाजारी बोलते हैं? भाई मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो चल रहा है उसको सही बताइएगा। कालाबाजारी बोलकर आप ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। नमस्कार आदाब, मैं फरदीन शेख, आप देख रहे हैं MM टाइम न्यूज़। मुमरा में हो रही लोकल टिकट की कालाबाजारी को लेकर जब इंस्पेक्टर राजेश्री जी से बात की गई तो उन्होंने लोकल टिकट के कालाबाजारी को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैडम, एक सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल पे खबर चल रही है इस बात को लेकर के कि हाँ मुमरा स्टेशन पर कालाबाजारी चल रही है टिकट की, और भी उसमें जो है खबरें हैं, तो क्या उसमें क्या सच्चाई है? क्या वाकई में कालाबाजारी चल रही है? क्या है इसकी असलियत, क्या है, बताने का कष्ट करेंगी आप? हाँ बिल्कुल, इस पर मेरा जवाब भी इंस्पेक्टर RPF मेरा तो यही जवाब है। पहले जिन्होंने भी ये न्यूज़ चलाई है, जो भी आपको ये खबरें मिली है, अब देखिएगा उसमें किस तरीके से कालाबाजारी चल रही है। बिल्कुल गलत है। एक बस कुछ पैसेंजर पूछ रहे हैं कि कहाँ जाना है और टिकट निकाल रहे हैं, क्या उसको कालाबाजारी बोलते हैं? भाई मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो चल रहा है उसको सही बताइएगा। कालाबाजारी बोलकर आप ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। आप काम भी देखिएगा कैसे है। मेरा ये कहना है मुमरा में किसी भी प्रकार की टिकट को लेकर कोई भी कालाबाजारी यहाँ पर नहीं चल रही है। बस अच्छे काम कर रही हूँ, किसी की आंखों में वो खूब रहा है, और सही बात है जो सच्चे राह पर चलते हैं तो कांटों से गुजरना ही पड़ता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। बीइंग इंचार्ज मैं पूरा कंफर्मेशन आपको दे रही हूँ। हाँ मैडम, पहले हम लोग यहाँ देखा करते थे कि ये जो स्टेशन के बगल में जो एक बड़ा मैदान है और अपना बस स्टॉप है, वहाँ पर लोगों का जमावड़ा रहता था, नशे का कारोबार होता था, बैठते रहते थे, लेकिन अभी ऐसा तो वहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। और क्या आपकी तरफ से कुछ कार्रवाई की गई है? क्या है इसकी असलियत, क्या है? आप तो पत्रकार हो, न्यूज़ चलाने वाले हो, उल्टा आप ही बताओ ये ऐसा पहले कैसा था मुमरा, और अब बताइए कि मेरे आने के बाद मुमरा कैसा लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे, जब मैं आई थी देखा मैंने यहाँ पर नशेड़े गर्दुले लोग बैठे हैं, लेडीज़ भी जा रही है वहीं से, सुना था यहाँ पर छेड़छाड़ वगैरह हो रहा है, तो मुझे लगा कहीं तो बीइंग लेडी बहुत गलत हो रहा है, और नए जो पीढ़ी है ये नशे में वेस्ट हो रहे हैं, तो कहीं जाकर मुझे इस पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। पर अब आप जाकर देखो, जहाँ पर नशेड़े और गर्दुले लोग बैठते थे वहाँ पर छोटे बच्चे अभी आज खेलने लगे हैं, ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नहीं मतलब आपने अपने स्तर पे क्या कार्रवाई की है, उनके ऊपर केस बनाया है कि, और किस तरीके की जो कार्रवाई, क्योंकि RPF के अधीन में तो नारकोटिक्स आता नहीं है, तो किस हिसाब की कार्रवाई की है आपने? हाँ बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। पहले तो उनको काउंसलिंग, जैसे कि यहाँ से आप मतलब निकल जाएंगे, बैठेंगे नहीं, ये कह के कर कुछ चले गए। कुछ हम लोग ने पुलिस होने का उनको बताया कि भाई हम आप पर कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें कुछ लोग गए, और कुछ जो नहीं माने उनको हम लोग ने GIC को सुपुर्द किया है और केसेस भी बनाए हैं। जैसा कि इंस्पेक्टर राजेश्री मैडम ने बताया कि अगर कोई लोकल टिकट के कालाबाजारी कर रहा है तो मुझे बताए, मैं खुद उस पर कार्रवाई करूंगी। लेकिन मुमरा में राजेश्री मैडम के आने के बाद कई लोगों को उनके काम से तकलीफ हो रही है, तो आगे की ऐसी और अपडेट जानने के लिए देखते रहिए MM टाइम न्यूज़। हम हैं आपके साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।